Dear students, Assalamu Alaikum. In the last few lectures, we have studied what an item is and how to create an inventory part in QuickBooks. In this lecture, we are going to learn how to create a service item in QuickBooks. As you already know, service item is basically the service that you provide to your customers or client and you charge them for it. इसकी बहुत सारी मिसालें मिसाल ये है कि आप उनको ये सर्विस देते हैं कि हम डिज़ाइन करके आपको कोई चीज़ देंगे जब आप कोई चीज़ उनको डिज़ाइन करके देंगे मिसाल के तौर पे घर का नक्शा वगैरह तो उसके हम चार्जेस लेंगे इसके अलावा हम कंस्ट्रक्शन करके देंगे जब हम कंस्ट्रक्शन करके देंगे तो हम उसके चार्जेस लेंगे या हम आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करेंगे तो ये भी एक सर्विस है इसके भी हम चार्जेस लेंगे तो जो भी सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे अपने कस्टमर्स को उसके हम मुख्तलिफ आइटम्स बनाएंगे और उनका एक रेट रखेंगे अब ये भी हो सकता है कि वो सर्विस हम ख़ुद ना करते हों बल्कि हम भी किसी और सब कॉन्ट्रेक्टर से वो सर्विस करवाएं इसकी मिसाल ये है कि आप किसी के लिए कोई एड बना के दे रहे हैं जो अखबारों में चलेगा लेकिन उसके लिए आपने फोटोग्राफी के लिए सर्विसेज हायर की हैं एक फोटोग्राफर की जो आपके लिए तस्वीरें खींच के लाएगा जो आपके एड में लगनी है सो यू आर बेसिकली गेटिंग सर्विसेज फ्रॉम अ थर्ड पार्टी एंड एडिंग ऑन योर प्रॉफिट एंड देन ऑफरिंग दो सर्विसेज टू योर कस्टमर और क्लाइंट आपने ये सर्विसेज फोटोग्राफी की एक फोटोग्राफर से ली हैं उससे रेट तय किया है और उसमें अपना प्रॉफिट डाल के आपने अपने क्लाइंट या कस्टमर को कोट कर दिया है तो ये मुख्तलिफ टाइप की सर्विसेज हैं जिसको हम अपने क्विक बुक्स के लिए आइडेंटिफाई करेंगे और उनको रजिस्टर करेंगे और फिर ये रजिस्टर्ड सर्विसेज ही हम अपने कस्टमर्स या क्लाइंट्स को ऑफ़र कर सकते हैं जिस तरह से आपको याद होगा कि इन्वेंट्री पार्ट में हमने पहले इन्वेंट्री के आइटम्स को अपने पास रजिस्टर किया और फिर अपने सप्लायर वेंडर से उनको ख़रीदा इसी तरह सर्विसेज भी हम पहले लिस्ट डाउन कर लें आइडेंटिफाई कर लें जो सर्विसेज हम अपने कस्टमर्स या क्लाइंट को देना चाहते हैं और फिर उनको एक एक करके टैग करें प्राइस लगाएं रजिस्टर करें और यूज़ करें ये कैसे होगा आइए देखते हैं क्विक बुक्स में क्योंकि सर्विस आइटम भी लिस्ट में आता है इसलिए वी आर गोइंग टू गो टू लिस्ट सेलेक्ट आइटम लिस्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन बॉक्स और हमारे पास पहले से ही बहुत सारी सर्विसेज लिस्टेड चली आ रही हैं लेकिन हम ये एक नई सर्विस अपने क्लाइंट्स या कस्टमर्स को देना चाह रहे हैं और इसको हमने सबसे पहले रजिस्टर करना है जैसे कि हमने लास्ट टाइम आपसे डिस्कस किया था आप आइटम पर जाएंगे और न्यू आइटम सेलेक्ट करेंगे लेकिन अनलाइक प्रीवियस ओकेजन दिस टाइम वी आर गोइंग टू सेलेक्ट सर्विस एज आर आइटम टाइप जब आप सर्विस आइटम टाइप लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि ये सर्विस हमने रजिस्टर करनी है और अपने कस्टमर की क्लाइंट को देनी है इसमें एक चेक बॉक्स है जिसपे लिखा है दिस सर्विस इज यूज इन असेंबलीज और परफॉर्म्ड बाय अ सब कॉन्ट्रैक्टर और अ पार्टनर सो वी आर गोइंग टू टिक दिस दिस मीन्स वी आर अक्वायरिंग द सर्विसेज ऑफ अ थर्ड पार्टी सब कॉन्ट्रैक्टर एंड बेस्ड ऑन दो सर्विसेज वी आर कोटिंग आर चार्जेस टू आर कस्टमर और क्लाइंट हमने एक थर्ड पार्टी से एक अपने सब कॉन्ट्रैक्टर से अपने वेंडर से हमने रेट लिया है और अपना थोड़ा सा उस पर प्रॉफिट डालने के बाद हमने ये रेट अपने कस्टमर को या क्लाइंट को ऑफर कर रहे हैं इस सर्विस का नाम है जी फॉल्स सीलिंग इसकी कॉस्ट है 55 और सेलिंग प्राइस है 80। जो सर्विसेज हम अपने कस्टमर को देने के लिए किसी थर्ड पार्टी सब कॉन्ट्रैक्टर से ले रहे हैं वो हमें कॉस्ट कर रही है 55 फाइव पर स्क्वायर फुट और ये हम जो अपने कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं दैट इज़ रुपीज़ एट्टी इसका एक्सपेंस अकाउंट जो कॉस्ट का होगा वो बिल्डिंग रिपेयर में डाल रहे हैं ये टैक्सेबल है क्योंकि सर्विसेज़ पे भी हमारे यहाँ टैक्स लागू है और ये इनकम है हमारी सब कॉन्ट्रैक्टेड लेबर इनकम अब हमने ये सारी चीज़ें फिल कर दी हैं एंड वी आर गोइंग टू सेव दिस जैसे हमने सेव किया एक नया आइटम हमारे सर्विसेज आइटम टाइप में आपको क्लियरली नज़र आ रहा है जिसका हमारे पास प्राइस भी मौजूद है आइए देखते हैं कि हम इसको किस तरह से यूटिलाइज करेंगे टू इन वॉयस आर क्लाइंट्स गो टू योर होम पेज एंड विद इन कस्टमर यूज क्रिएट इन वॉयस जब आप क्रिएट इन करेंगे तो आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन सामने आ जाएगी आपके पास इन्फॉर्मेशन आ गई है इधर आपने आइटम सिलेक्ट करना है हमने जो आइटम सिलेक्ट करना है उसका नाम है फॉल सीलिंग क्वांटिटी इसकी है जी 3000 स्क्वायर स्क्र रेट आपका आपके सामने मौजूद है अमाउंट आपकी सामने मौजूद है जैसे ही हमने नेक्स्ट क्लिक किया हमारे पास इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन आ गई है अगर इसके ऊपर टैक्स लागू है तो टैक्स भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आ जाएगा अब हमारे पास इस पूरे एक्सरसाइज में इस इन्वाइस में आप देख सकते हैं कि हमारी क्वांटिटी, हमारा रेट अमाउंट टैक्स एवरीथिंग इज विजिबल फॉर द क्लाइंट ऑल वी हैव टू डू इज सेव एंड क्लोज

ये है वो आपको जो प्रॉफिट होगा अब हमने इस पूरी स्कीम में आपने देखा कि एक इन्वाइस बना दी है जो कि हमें यहाँ सेव कर दी है अब हम चाहेंगे देखना कि क्या वो मौजूद है हमारे रिकॉर्ड में या नहीं यू कैन सी नाउ दैट दिस इज़ नाउ अवेलेबल इन आर रिकॉर्ड दिस मीन्स कि हमने ये कॉन्ट्रैक्ट जो अपने क्लाइंट के साथ किया है उसको हमने ये इन भी कर दी है क्योंकि वी हैव वन दिस कॉन्ट्रैक्ट और इसके साथ ही हमने अपने सप्लायर्स को जो हमने पैसे देने हैं वो भी कैलकुलेट कर दिए हैं क्योंकि हमने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन कॉस्ट यानी कि अपनी बाइंग प्राइस और सेल्स प्राइस दोनों नोट कर ली थी नाउ वी हैव अ वॉयस विच शोज दैट वी आर रेडी टू वर्क एंड प्रोवाइड द सर्विस टू आर कस्टमर एंड वी हैव डिलीवर्ड दिस इन टू हिम विच मीन्स That the work has already started. Now it is clear to you how to make an invoice using service item and how to basically register this service in our database. Services are many types but each service has a price connected to it and a cost connected to it. And the difference that is going to be your margin on this job. अभी तक हमने जो काम कर लिया है उसमें एक इन्वेंट्री आइटम हमने क्रिएट किया है और अब हमने एक सर्विस आइटम क्रिएट किया है ये दो वो बेसिक आइटम्स हैं याद रहे जो सर्विसेज और गुड्स हम अपने कस्टमर्स को फराहम करते हैं और यही बेसिक वो आइटम्स हैं जिसके ऊपर हम अपना प्रॉफिट क्लेम करते हैं इसके बाद आने वाले जितने आइटम्स होंगे Supporting items. These two were the main items which we are going to use in QuickBooks. That is all for today.